विद्युत जामवाल सर की एक अपकमिंग मूवी जिसका नाम होने वाला है क्रैक, जीतेगा तो जिएगा का ऑफिशियल टीजर आया। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट 25 सेकंड का है, 4K में सबटाइटल्स मैंने ऑन कर दिए हैं, ठीक है, अपनी फॉरेन ऑडियंस के लिए और अपने लिए भी। वैसे तो हिंदी में होगा ये, तो मैं तो सबटाइटल्स में एंजॉय नहीं करूंगा, मैं तो हिंदी ऑडियो में ही करूंगा, लेकिन जिनको नहीं आएगी हिंदी समझ उनके लिए मैं सबटाइटल्स अनेबल कर रहा हूं। वैसे सबटाइटल्स मैं भी दूंगा इंग्लिश, हिंदी एंड मल्टीपल लैंग्वेज में, तो आप मेरे रिएक्शन को भी मल्टीपल लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हो। बस सिंपली आपको जाना है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर से ऑन कर देना सबटाइटल्स, ऐसे ऑन कर देना, ठीक है, फिर यहाँ जाना एंड जो भी आपके श्रद्धा अनुसार या कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपनी सबटाइटल सेट कर लेना। एंड यहाँ तो दो ही हैं, मैं मल्टीपल्स दूंगा, ठीक है। तो अब डायमंड करते हैं, पहले मैं बता दूँ 4 दिन पहले आया, 13 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, 1,64,000 लाइक भी क्रॉस कर चुका है, और नौरा फतेही होने वाली हैं, आदित्य शायद से वो वाले आदित्य सर होने वाले हैं जो एक मूवी में थे जो याद आ रहा है, देखते हैं शायद रावण मूवी में थे वो वाले आदित्य सर जो विलन थे, मैं पूरा नाम भूल पा, हल्का हल्का पूरा नाम नहीं आ पा रहा है, मतलब हल्का हल्का आ रहा है, देखते हैं। जिंदगी तो साला सबके साथ इचकी। ये भी एरोनॉटिकल मूवी होगी? नहीं, ये कुछ यूनिक होगा भाई। लेकिन असली प्लेयर वाइच है। वाइच है ना, इसे लैंग्वेज अच्छी लगी। जो जिंदगी के साथ खेले। इस खेल का सिर्फ एक रूल है। हाँ ये वही है ना, आवाज तो वही लग रही है तो। हाँ ओके, नाम याद नहीं था लेकिन शक्ल याद थी। एक्शन हीरो फिल्म्स। डर नहीं, डेयरिंग से खेलता हूँ और दिमाग। ओ बॉडी बढ़िया लग रही है अभी। ट्रैक ओके, क्या ये सर ने खुद किया है भाई? वैसे खुद ही किया हुआ यार, सर को उन बंदों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, समझ रहे हो, वो खुद ही करते हैं सब एक्शंस, वो खुद पढ़ लेते हैं। 23 फेब को आ रही है मूवी, नाइस। ये साला वैलोरेंट का ऐड आ गया, हम खेलते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम हमें ऐड सजेस्ट करोगे। नाइस, मुझे अच्छा लगा, लेकिन कैसे ना कैसे इसको स्किप तो करना ही पड़ेगा, ऑडियो बंद कर दी इससे ना आए कॉपीराइट। आई लाइक इट, मुझे बहुत बड़ा लगा एक, क्योंकि हमेशा से मैं विद्युत जामवाल सर की हर मूवी देखी है मैंने, हर मूवी कमांडो हर देखी, मतलब कमांडो तीन है, तीनों देखी हैं, फिर एक और आई थी अभी हॉस्पिटल वाली, के हॉस्पिटल हाईजैक हो जाता है एंड वहाँ पर उनकी प्रेमिका भी होती है, ठीक है, हॉस्पिटल के लोगों भी हो जाते हैं वो एंड प्रेमिका को भी बचाते हैं वो, तो वो वाली मूवी भी देखी थी, क्या नाम था उसका भूल गया मैं, फिर जिसको हमने रिएक्ट भी किया था, मैं भूल रहा हूँ। बहुत सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं इनकी अभी तक जितनी भी आई हैं, मुश्किल से 10-15 मूवीज़ करी हैं इन्होंने, लेकिन देखी हैं मैंने इन एज अ हीरो, ठीक है, विलन तो बन के आए हैं लेकिन एज अ हीरो कह रहा हूँ मैं, क्या आई लाइक इट, इनका एक्शन बहुत गजब का होता है, ठीक है, मैं कभी भी इन्हें कंपेयर उन हीरो से नहीं करता, तुम समझ रहे हो किस हीरो से नहीं करता जिसको एक्टिंग नहीं आती है, ठीक है, मुझे मत करना ऐसे जज, प्यार से करना कर रहोगे तो जज इस लाइन पे, बाकी मुझे बढ़िया लगा ये भाई, ये टीजर बढ़िया लगा, मैं ट्रेलर का वेट कर रहा हूँ बेसब्री से, ठीक है। आई लाइक दिस टाइप ऑफ मूवीज जहाँ एक्शन भरपूर हो साथ साथ एक्टिंग भी भरपूर हो एंड थोड़े से मतलब फॉरेन शॉट्स हो, फॉरेन सिटीज के, फॉरेन लोकेशंस के शॉट्स हो, तो आई लाइक दिस। एंड ये थोड़ा थोड़ा वॉर का थोड़ा थोड़ा दे रहा था मुझे, जबकि वॉर वाले फ्रेंचाइजी से नहीं होगी, ठीक है, कनेक्टेड, लेकिन हल्का हल्का वो दे रहा था टच वॉर मूवी का, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत लंबा एक चेजिंग सीन था एंड यहाँ पर भी है वो चेजिंग सीन, क्योंकि हल्का हल्का वॉर का ही कहूँगा मैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी लोकेशंस का यूज़ किया गया था जो लोकेशंस का यूज़ यहाँ किया गया है चेजिंग में, एंड ये चेज ही चल रहा है, ये चेज ही चल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ एक्शन चल रहा है एंड आई लाइक दिस। फिर ये शॉट्स मुझे बहुत बड़ा लगा, ये जो स्टंट इन्होंने किया है ना ये साइकिल के साथ, बाइसाइकिल के साथ, ये वो ये यहाँ पे जो चेस चल रहा था ना, ये इसी का ही शॉट है, ये चेस कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक ऐसी पोजीशन आई होगी जहाँ इनको ये चीज़ करनी पड़ी, ठीक है, ये वाला चेस चल रहा है, ये तो क्लाइंबिंग चल रही है मतलब उतर रहे हैं, ठीक है, ये चेस चल रहा है एंड ये शॉट इसी का ही है एंड वो हमें मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने करा बहुत प्रोफेशनली है, अब भाई वो प्रोफेशनली उन्होंने क्या कलर पाइटो सीखा है उन्होंने, ठीक है, तो मैं पता होगा जनता को, बहुत सारे लोगों को, तो आई लाइक दिस, मुझे बहुत बड़ा लगा, बाकी तुम जरूर सुनो ओपिनियन, अपना सुझाव देना नजरिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। बस हाँ एक थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा मूवी में, एज अ जो हीरोइन है इस मूवी में, अगर मेरे पे होता तो शायद से, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, हर कोई ओपिनियन दे सकता है अपना, ठीक है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, हो सकता है तुम्हारा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा ओपिनियन चेंज हो। नौरा फतेही मैम को नहीं लेना चाहिए था यहाँ, शायद श्रद्धा कपूर मैम या फिर श्रद्धा कपूर मैम शायद से बेस्ट रहती इस पोजीशन में या इस मूवी में,
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है नोरा मैम को नहीं देखना चाहता था, बट मेरा खुद की फीलिंग्स है। बाकी तुम जरूर से अपना ओपिनियन बता देना, मुझे बड़ा लगा ये टीजर। बाकी तुम जरूर से बताना अपना ओपिनियन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और बताना जरूर से कि तुम इस बात से एग्री करते हो कि नहीं कि नोरा मैम को होना चाहिए था कि नहीं, या उनकी जगह किसको होना चाहिए था, तुम बताओ अपना ओपिनियन। बाकी मैं चलता हूँ, लेता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब सच में कर देना, जरूर से कर देना।